हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएसएल के मैच नंबर सेकंड की, जो कि खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर जलमी के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको विराट क्रिकेट टिप्स का व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो अगर आपको इस पीएसएल में पैसे कमाने हैं तो विराट क्रिकेट टिप्स के पास आपको मैच एशियन टॉस की सबसे बढ़िया रिपोर्ट मिलेगी और 100% मैच विनर टीम भी मिलेगी। एक्यूरेट मैच विनर टीम आपको दी जाएगी, जैकपॉट एंट्री के साथ आपको मैच मिलेगा और पहले मैच में आपको फ्री डेमो भी मिलेगा। तो जाइए जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए, इन्हें मैसेज करने पर आपको गिरंट फायदा ही होगा। तो भाइयों, पहले बात करेंगे लाहौर कलंदर्स की टीम की। लाहौर कलंदर्स की टीम का पिछला सीजन कंपैरेटिवली उसके पिछले कई सारे सालों से अच्छा रहा था। उसके पिछले कई सारे सालों में टीम ने बॉटम पर ही फिनिश किया था, पर पिछले सीजन में ये क्वालिफाई भी कर गए थे और फाइनल में भी पहुंचे थे। हालांकि फाइनल को जीत नहीं पाए थे, पर पिछले साल के परफॉर्मेंस से इनकी टीम खुश जरूर होगी। लाहौर कलंदर्स की टीम के इस साल के कुछ की प्लेयर्स की बात की जाए तो बैटिंग में टीम के पास फकर जमान, मोहम्मद हाफिज, सोहेल अख्तर, जो डेनली, समित पटेल और टॉम एबल जैसे खिलाड़ी है। इसके अलावा टीम के पास बेन डंक भी बैटिंग में है। बॉलिंग में टीम के पास हैरिस रॉफ, राशिद खान और शाहिन शाह आफरीदी है। इसके अलावा ऑलराउंडर के तौर पर टीम के पास डेविड विजे भी है। तो आप देख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट में लाहौर कलंदर्स के पास कई सारे अच्छे खिलाड़ी है। इनके अपोनेंट्स पेशावर जलमी की बात की जाए तो पिछले साल इनका सीजन ठीक ठाक सा रहा था। पिछले साल क्वालिफाई तो किए थे पर एलिमिनेटर में ये बाहर हो चुके थे। इस साल इनकी टीम के नए कप्तान होंगे वहाब रियाज। पिछले साल भी कई सारे मुकाबलों में वहाब रियाज ने कप्तानी की थी, पर इस साल वो परमानेंट कैप्टन के तौर पर टीम का हिस्सा होंगे। इस साल पेशावर की टीम के कुछ की प्लेयर्स की बात की जाए तो बैटिंग में पेशावर के पास इमाम उलक, कमरान अकमल, डेविड मिलर, हैदर अली, शोएब मलिक और शेफरिन रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी है। वहीं बॉलिंग में टीम के पास कप्तान वहाब रियाज, मुजीबुर रहमान, साकिब महमूद और मोहम्मद इरफान जैसे खिलाड़ी है। इनके पास भी खिलाड़ी ठीक ठाक है, पर कंपेरेटिवली मुझे लाहौर कलंदर्स की टीम ज्यादा मजबूत ऑन पेपर लगती है। इस मैच की मेरी ड्रीम इलेवन टीम की बात की जाए तो कैप्टन मैंने बेन डंक को बनाया है, वाइस कैप्टन मैंने डेविड मिलर को बनाया है। डेविड मिलर को आप चाहे तो कैप्टन भी बना सकते हैं, उनका अभी रिसेंटली हुई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में फॉर्म काफी अच्छा रहा था। ये मैच भी खेला जाने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची में। वेदर की बात की जाए तो वेदर क्लियर रहने वाला है, तो बारिश का कोई भी चांस नहीं है, तो हमें एक पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिच यहाँ पे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हमें बैटिंग फ्रेंडली ही देखने को मिली है, क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत है तो हो सकता है तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी सी मदद मिले। स्पिनर्स को यहाँ पे T20 क्रिकेट में ज्यादा मदद नहीं मिली है। ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली सरफेस होने की चांसेस काफी ज्यादा हाई है। 170 या उसके ऊपर का कोई भी टारगेट यहाँ पे अच्छा टारगेट होगा और टॉस जीतने बाद यहाँ पे इस मैच में पहले आप बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डे मैच होने वाला है, ड्यू का कोई भी चांस नहीं होगा। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है ये मुकाबला लाहौर कलंदर्स जीतेंगे। मेरा मैच प्रेडिक्शन है लाहौर कलंदर्स। बाकी आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद।